हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और हम रेजिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 3 छोटे छोटे से पार्ट हम बना रहे हैं बेटा। और इंडिविजुअल हम पूरा कर चुके हैं जो सबसे कॉम्प्लेक्स था। एक बार फटाफट मेरे को सेक्शन रिवाइज करा दो बेटा कुछ, क्योंकि मैं सेक्शंस आपको पता है इनके पीछे पड़ा रहता हूँ। सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 7 डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 8 डिविडेंड, सेक्शन 9 डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, 5, 6, 7, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। जी सर, 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी पूरी कर दो, दोनों एडिशनल पूरी करनी पड़ेंगी। बेसिक प्लस एडिशनल पूरी करते ही बंदा बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। जिससे एडिशनल पूरी नहीं हो पाई, सिर्फ बेसिक पूरी करी, वो बंदा बन गया क्या, नॉट ऑर्डिनरी। और जिस बेचारे से बेसिक ही पूरी ना हो पाई तो उसकी एडिशनल चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे ऐसे गधे पहुंच जाते हैं, किसी बंदे की बेसिक कंडीशन पूरी नहीं, कहते लगे आते इसकी एडिशनल कंडीशन चेक कर लेते हैं। अरे जो रेजिडेंट नहीं हुआ वो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी तो वैसे ही नहीं बन सकता। तो बेटा, अगर किसी बच्चे से, किसी बंदे की अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, आप उसकी एडिशनल कंडीशन प्लीज चेक मत करना। चलिए, आज की इस वीडियो में बेटा हम रेजिडेंशियल स्टेटस पता करेंगे HUF का, फर्म, AOP, BOI, कंपनी एंड अदर पर्संस का। ठीक है ना, फटाफट सुन लेते हैं, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF को इनकम टैक्स एक्ट में एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है, इसकी अलग से ITR जाती है। इन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता किया जाता है, तो इसमें फिर से वही पंगे बैठा, या तो रेजिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी बनेगा। रेजिडेंट बनेगा तो या तो ऑर्डिनरी बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी बनेगा, इसके लिए आपको चेक क्या करना है। तो बेटा ये है मेन चीज़ जो इसके लिए चेक होती है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या लिखा बेटा मैंने, अगर HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो पार्ट कर दो बेटा, या तो होली आउटसाइड इंडिया होगा, या तो ये HUF कहाँ से कंट्रोल होती है, होली आउटसाइड इंडिया बाहर से कंट्रोल होती है, या इसका कंट्रोल पार्ट इतुसा या पार्टली, चाहे 1% हो चाहे आधा परसेंट हो बेटा, होली और पार्टली इन इंडिया में हो। तो आपको चेक क्या करना है बेटा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो इंडिया में है पार्टली या होली या बाहर है। बाहर पार्टली नहीं होना चाहिए बेटा, सारा का सारा बाहर, होली आउटसाइड इंडिया या होली इन इंडिया और पार्टली इन इंडिया। अगर सारा कंट्रोलमेंट मैनेजमेंट बाहर है तो क्या बन जाएगी बेटा, नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर इतना सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में है तो इतना होते ही तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेता ना, क्या बोलेगा, आ जा बन गई तो यहाँ की रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनते हैं, फिर से चेक करेंगे ये ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। इसके लिए देखना पड़ेगा बेटा, आपको पता होगा HUF के अंदर एक कर्ता होता है, मुखिया, जो सारे डिसीजंस लेता है। तो इसका कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है, अब जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देख रखी, जिनको यही नहीं पता एडिशनल कंडीशन क्या है, उनको लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आएगी बेटा। तो आपको पता होगा ना, 2 एडिशनल कंडीशन होती हैं, एक तो 2 साल कम से कम आउट ऑफ 10, 2 out of 10 कम से कम रेजिडेंट रहा हो 10 सालों में कम से कम 2 बार, और पिछले प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में कम से कम उसने 730 दिन इससे ज़्यादा भारत में रहा हो, वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को इकट्ठा पूरी कर देता था, तो क्या बनता था वहाँ पे, इंडिविजुअल ऑर्डिनरी। तो सेम अगर HUF का करता, बाकी नहीं बेटा, बाकी क्या कर रहे हैं हमें भाड़े में जाएं, अगर HUF का करता वो दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर देता है तो वो HUF मानी जाएगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर करता से कोई एक कंडीशन पूरी होती है या बिल्कुल नहीं होती तो बन जाएगी HUF नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीसरा, चलिए चलते हैं आगे। एक गुड न्यूज़ दूँ बेटा, जो ये ऑर्डिनरी का नॉट ऑर्डिनरी का पंगा, ये सिर्फ 2 ही कैटेगरी में है, या तो इंडिविजुअल में या HUF में, इन 2 में ही है। ये तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी एडिशनल फलाना ढिमका, ये पंगा सिर्फ इंडिविजुअल और HUF 2 में ही है, बाकी किसी का भी स्टेटस बेटा ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का नहीं होता। सिंपल चलता है, या तो रेजिडेंट बनेंगे या नॉन रेजिडेंट, खत्म। ये ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी का कोई पंगा नहीं होता, किसमें, बाकी सभी में। किसमें होता है ये पंगा, सिर्फ इंडिविजुअल में और HUF में, बाकी सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है। देखिएगा कैसे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AAP, LLP, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सभी का, अब मैं एक साथ बता रहा हूँ, बट मैंने लिखा बेटा एक्सेप्ट कंपनी, मैं कंपनी का यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी के रूल्स अलग हैं। कंपनी को छोड़ के और इंडिविजुअल HUF को छोड़ के बाकी जितने भी बंदे हैं, चाहे वो LLP है, चाहे AOP है, चाहे BOI है, चाहे फर्म है, चाहे जो भी है, AJP है, उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करना है, देखिएगा फटाफट। देखो इनका कंट्रोल मैनेजमेंट, इनका कंट्रोल मैनेजमेंट फिर से बेटा वही दोगे, या तो होली आउटसाइड इंडिया होगा या होली और पार्टली इन इंडिया होगा। इंडिया में तो इतू सा भी आ जाएगा तो क्या बना देंगे, रेजिडेंट। हाँ, अगर तेरा सारा ही कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर का है तो क्या बन जाएगा, तू नॉन रेजिडेंट। सर इनका ऑर्डिनरी कहाँ है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ RORR एंड NOR, वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में होता है।
ये आ गया किसका बेटा, कंपनी का। सर कंपनी का कैसे पता करेंगे हम कि कंपनी कैसे बनेगी रेजिडेंट या कब बनेगी नॉन रेजिडेंट? सबसे पहले बेटा कंपनी के दो पार्ट कर रहा हूँ, या तो कंपनी होगी बेटा इंडियन, या कंपनी होगी बेटा फॉरेन कंपनी। कौन सी होगी? फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी होगी तो वो ऑलवेज रेजिडेंट है, हमेशा क्या रहेगी बेटा, रेजिडेंट रहेगी। और फॉरेन कंपनी है तो फिर देखा जाएगा, फिर से मसला है। POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी बोला जाता है। और के पीछे जो मैंने CM लिख रखा है, ये कंट्रोल मैनेजमेंट है, लेकिन कंपनी के केस में टेक्निकली बोला जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ से है? दो केस कर देना बेटा। देखो बेटा इंडियन कंपनी तो ऑलवेज क्या है, रेजिडेंट है। जो इंडियन कंपनी कौन सी होती है? जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जो कंपनी भारत में इनकॉर्पोरेट हो गई वो हमेशा के लिए क्या बन गई? रेजिडेंट। जो यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, बाहर है, वो है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को भी रेजिडेंट मान के टैक्स लिया जा सकता है। कब? उसके लिए देखा जाएगा POEM। POEM क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के दो पार्ट, या तो इनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, या होली और पार्टली इन इंडिया है। इन इंडिया में होते ही इतू सभी पार्ट आ गए तो बन जाएंगे रेजिडेंट, और सारा का सारा बाहर है तो क्या बन जाएंगे बेटा? नॉन रेजिडेंट। बस इतना सा था। सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करना है आप लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ये इतनी सी थी बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 डिटेल में। सेक्शन 5 का क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, या रेजिडेंशियल स्टेटस का आता है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आप चुटकियों में क्वेश्चन निकाल पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।